हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकोज लर्निंग. लेट्स बिगिन टुडे द डिफरेंट टॉपिक विच इज ऑब्स एंड गाइनी. सो आई एम बिगनिंग विद ऊजेनेसिस. सो ऊजेनेसिस क्या होता है? ऊजेनेसिस स्टार्ट कहाँ से होता है? योक सैक से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो योक सैक कहाँ होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में होता है. अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं? दैट इज ओरिजिन फ्रॉम योक सैक. योक सैक से ओरिजिन होने को बोलते हैं क्या? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि योक सैक से ओरिजिनेट होते हैं. देन ये जो योक सैक है, इसमें जो ये जो बिगिन होता है ना, वो कब बिगिन होता है? 6 to 8 weeks में. IUL इज इंट्रायूटराइन लाइफ. तो ये जो योक सैक होता है वो स्टार्ट होता है बिटवीन 6 to 8 weeks ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ. ठीक है, अब इसकी जो प्रोसेस है वो देखेंगे कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस. अब माइटोसिस होने के बाद में क्या बनता है? उगोनिया. ठीक है, उगोनिया कब फिर क्या होगा? मियोसिस करेगा. मियोसिस कौन सी? फर्स्ट प्रोसेस. अब मियोसिस फर्स्ट प्रोसेस करने के बाद में ये बन जाता है 1 degree ऊसाइट. ठीक है, मियोसिस मतलब मियोसिस फर्स्ट क्या होती है? एक अरेस्टेड प्रोफेस होती है. ठीक है, देन आता है के 1 degree ऊसाइड बनता है, जिसमें होते हैं डिप्लॉयड सेट ऑफ करेक्टर. ठीक है, अब 1 degree ऊसाइड जो है वो कंप्लीट करता है मियोसिस फर्स्ट को प्यूबर्टी में, है ना. अब जो 1 degree ऊसाइड है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कंटेनिंग हैप्लॉइड, दैट इज 2 degree ऊसाइड, क्योंकि ये क्या था? 1 degree ऊसाइड. अब 1 degree ऊसाइड जो है वो हैप्लॉइड का सेट बनाएगी 2 degree ऊसाइड. ठीक है, और एक क्या बना लेगी? फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना. अब जो ये जो मियोसिस है वो प्यूबर्टी पे कंप्लीट हुई. ओके, एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एलएसएच की वजह से. एलएसएच कब होती है? जब पिट्यूटरी एक्सिस पे जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, उसका स्टिमुलेशन होता है. मैं कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ गाइज, डोंट लाइक जज मी कि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझाया, बिकॉज ऑलरेडी नोट्स में इतना इनफ लिखा हुआ होता है कि आप उससे एक्स्ट्रा जाओगे तो आपको याद कितना रहेगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट लाइक थिंग कि आप बस नोट्स को इतनी अच्छी तरीके से रीड कर लो, एक स्टोरी टेलर के तरीके से, कि आपको वही याद हो जाए, वही काफी है. एंड एवरीथिंग लाइक इन अ कंसाइज वे इज रिटन ओवर हियर. सो आई एम जस्ट डोंट लाइक से कि आपने सिर्फ रीड कर दिया, इट्स लाइक जस्ट कि मैं इसी को ही इस काइंड ऑफ करके अपने तरीके से समझाना चाहती हूँ, जैसे ये आपको ये ही याद हो जाए. बिकॉज ये याद हो गया तो देर इज नथिंग यू हैव टू लर्न अबाउट इट. यू कैन इजीली सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस इफ यू आर लर्निंग बाय हार्ट दीज थिंग. दिस इज बिग इनफ गाइस, यू डोंट नीड टू गो फॉर एवरी बुक और लाइक एवरी नोट्स. जस्ट बी इन वन, लाइक एक सेलेक्ट कर लें एंड देन जस्ट उसी पर ही टिके रहो. डोंट बी लाइक कि मेरा दोस्त तो कह रहा है कि ये वाला पढ़ना है. सो क्या है, आपको हो सकता है ये वाला अच्छे से समझ आ रहा हो, उसको हो सकता है ये वाला अच्छे से समझ आ रहा हो. वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडिंग, डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग. सो दिस इज माई वे टू लर्न. सो आई एम जस्ट लाइक प्रिसाइजिंग एवरीथिंग इन अ वे विच इज रिटर्न इन अ नोट्स. आई एम नॉट लाइक टेलिंग यू एनीथिंग एक्स्ट्रा वाइज, एनीथिंग एक्स्ट्रा. अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा ही पढ़ना है rather than these notes, you can easily skip my videos and just like कितने teachers हैं, obviously मैंने भी देखी है videos, आपने भी देखी है, तो आप उन videos पे जा करके अपना like देख सकते हैं, क्योंकि don't waste your time, this time is too precious for us, right? तो मैंने इसीलिए इसमें starting में ही बोल दिया कि I will be reading these notes only and I will be like explaining these notes only, nothing else. I won't be like going to this side and that side. I will be there only. You will be getting everything written here, whatever I am reading. Just I am reading in a way which is simpler. Okay. So if you really want to learn something from me, this is from this notes only. And agar aapko continue karna hai, you can just watch out my videos. But if you don't want to continue, if you want something learn like कुछ और एक्स्ट्रा आपको लर्न करना है और ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करना है, इफ यू नो मोर, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच द अदर वीडियोज. बट डोंट जज,
Yeah, you can give me your tips, tricks, whatever you know, the way. But still, this will be my way in all of the videos, whatever I'll be posting. This is my way. Okay, so आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे. लेट्स बिगिन. इंटरप्टिंग के लिए इसलिए इंटरप्ट किया है बिकॉज आपको मैं पहले ही बिगिनिंग में ही बता दूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम फॉर एवरीवन, राइट? बिकॉज अगर आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं डेफिनेटली आपका उसमें टाइम जा रहा है. इफ इट इज नॉट वर्थिंग फॉर यू, यू विल बी डेफिनेटली सेइंग कि ये क्या वीडियो देख लिया. सो आई एम लाइक टेलिंग यू इन अ बिगिनिंग, आई विल बी रीडिंग दीज नोट्स ओनली गाइज. बट एक यूजुअल से वे में कि आप इसको सिर्फ आप मेरा सिर्फ ऑडियो सुनकर भी इसे समझ जाए. दैट्स इट. इट्स माई ट्राई कि मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ. डेफिनेटली देर आर मैनी मोर प्रोफेशनल टीचर्स, आई एम नॉट प्रोफेशनल गाइज, तो प्रोफेशनल टीचर्स हैं जिनसे आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं. बट स्टिल हर किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, लर्निंग ऑफ माइंड, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. किसी को कुछ अच्छे से समझ आता है, किसी को कुछ. फॉर मी दिस नोट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना ही याद करना बहुत बड़ी बात है, राइट? सो ओके, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम. यू कैन स्किप दिस टॉपिक इफ यू वॉन्ट टू लर्न, बट स्टिल लेट्स बिगिन. स्टोरी शुड बी गोइंग ऑन. ओके, तो हम कहाँ आ गए थे? हम आ गए थे 1 डिग्री ओसाइड, किसकी वजह से मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है. याद रखे, प्यूबर्टी के टाइम पे कंप्लीट होता है. किसके इन्फ्लुएंस से कंप्लीट होता है? एलएसएच. और एलएसएच कब होता है? आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस. ओके, अब आते हैं अपन हैप्लॉइड साइड 2 डिग्री ओसाइड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, ये मियोसिस सेकेंड में एंटर कर गया, ठीक है? यहां तक मियोसिस फर्स्ट ही थी, यहां मियोसिस सेकेंड में एंटर कर गया बिटवीन अरेस्टेड इन मेटाफेस, ठीक है? फिर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है कब? फर्टिलाइजेशन पर. मियोसिस सेकेंड कहां कंप्लीट होता है? फर्टिलाइजेशन पर. किस पे? एम्प्यूला फलोपियन ट्यूब, ठीक है? एम्प्यूला ऑफ फलोपियन ट्यूब में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है. ओके, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में आता है ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है? फर्स्ट पोलर बॉडी यहां बन गया था, सेकेंड पोलर बॉडी यहां बन गया, सेकेंडरी ओसाइड बना था, ओवम बन गया, ठीक है? अब ओवम का साइज देख लो, 120 U to 140 U, इफ यू कैन, सॉरी 120 μ to 140 μ, बट अगर आपको ये याद हो जाता है बेटर इनफ. नहीं होता है तो जस्ट एक बार देख लो, क्योंकि जब अपने सामने अगर क्वेश्चन आता है तो विल बी डेफिनेटली हैव अ पिक्चर ऑफ माइंड कि ये वाला तो देखा था. सो लार्जेस्ट क्या है सेल इन ह्यूमन बॉडी? क्या? ये ओवम. ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल होता है, विच इज ओवम. साइज इज 120 μ to 140 μ, ठीक है? और स्पर्म का साइज होता है 50 μ. ओके, सो लेट्स गो मोर. मैक्सिमम नंबर ऑफ गोनिया एट 5th month ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ 7 million. याद रखना है उगोरिया के मैक्सिमम नंबर होते हैं कब? 5th month ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ. और कितने होते हैं? 7 million. 7 million. आई होप यू आर रिव्यूइंग. ओके, नंबर ऑफ 1 डिग्री ऊसाइड एट द टाइम ऑफ बर्थ अप्रोक्स 2 million. अब देखो, उगोनिया का मैक्सिमम नंबर होता है 5th month पे इंट्रायूटराइन लाइफ में 7 million. लेकिन जो 1 डिग्री ऊसाइट होते हैं, विच इज दिस, ओके, मियोसिस फर्स्ट के बाद में, ठीक है? एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा बर्थ लेने वाला होता है उस टाइम पे 2 million हो जाते हैं उसमें, ठीक है? जब तक वो इंट्रायूटराइन लाइफ में है, अंदर है, तब तक उसमें 7 million है. देन बर्थ के बाद में उसमें, जब एट द टाइम ऑफ बर्थ उसमें कितने जाते हैं? 2 million. लेट्स गो मोर. या सो ये है day 4 ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ये है एम्प्यूला विच इज फर्टिलाइजेशन साइट, एंड ये है जायगॉट. ओके, अब जो जायगॉट ये बना है, ठीक है,
पहले तो ये देख लो, फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल प्रोलिफरेटिव होता है, सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल सिक्रेटरी होता है, ठीक है। अब जो जाइगोट है वो अंडरगो जाएगा किसके, डिविजन्स के। जाइगोट का होगा डिविजन, 16 सेल स्टेज बनेगी। 16 सेल स्टेज को मॉरिला बोलते हैं, आई नो यू ऑल विल बी नोइंग, बट फिर भी कई बार इतनी छोटी सी चीजें अपन भूल जाते हैं। आई नो यू विल बी रिमाइंडिंग, मैं शायद उन लोगों का बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार अपन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, विल बी लाइक कंफ्यूजिंग। तो कहाँ थे हम, थे जाइगोट पे। जाइगोट ने क्या किया, डिवीजन हुआ, ठीक है, जाइगोट का डिवीजन हुआ, डिवीजन होके 16 सेल स्टेज में बन गया। 16 सेल स्टेज पे बनी मॉरुला। मॉरुला की शेप होती है मलबरी शेप। दीज आर लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन, व्हेन दे विल बी आस्किंग, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट विल बी गेटिंग कंफ्यूज, डेफिनेटली दिस इज द थिंग। ऑब्स गाइनीज, लाइक आप अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसमें इतना मैटर होता है, विल बी डेफिनेटली कंफ्यूजिंग इन डिफरेंट वे, बिकॉज वी विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन इन अ केस फॉर्म, एंड डेफिनेटली केस में आपको क्या लगता है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो, व्हेन वी आर लाइक सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस मल्टीपल क्वेश्चन, ओके, तो अपने पास में क्या होता है, अपन पहली बात तो फर्स्ट एक बार एक झलक वाला आंसर होता है, ठीक है, एक झलक में अपन एक आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट ही था वो आंसर, तो आपने फटाक से लगा दिया। एक होता है आपने बस देखा क्वेश्चन, आपको पहली चॉइस ही ऐसी लगी, नहीं भाई यही आंसर, दैट कैन बी राइट बट दैट कैन बी रॉन्ग, चांसेस कैन बी रॉन्ग टू, क्योंकि आपने चार चॉइस तो पढ़ी नहीं यार। जब ए बी सी डी बनाया है, इसका मतलब कुछ काम से ही बनाया होगा ना, एग्जामिनर फालतू है दो ही चॉइस दे देता, नहीं तो ट्राई करो, वन एवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन डेफिनेटली रीड ऑल द चॉइसेस ए बी सी डी, इवन यू आर शॉर्ट ट्राई टू रीड दैट। और क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा चीज क्या याद रखनी है, एक्सेप्ट तो नहीं लिख रहा, कहीं नॉट तो नहीं लिख रहा, क्योंकि जब अपन एग्जाम सॉल्व कर रहे होते हैं डेफिनेटली अपन थके हुए होते, स्ट्रेस लेवल हाई होता है, सब चीज इतना हाई होती है कि आपको ऐसा लगता है यार बस होना है, पास होना है। Whether this will be PG exam, whether that will be FMG learning exam, whether that will be NEET UG exam for like beginning of medical field student, ठीक है, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, जल्दी से सेलेक्ट कर लेते, तो बेटर करे आप पूरी चॉइस पढ़े, ए बी सी टी तक पढ़े, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या होता है, मेरे साथ में क्या होता है, दो आंसर लगने लग जाते हैं, आई थिंक डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है, ठीक है। अब वो दो आंसर में से कौन सा सही हो जाए, दैट्स योर लक, दैट्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, और दैट्स योर लक कि आपने कई बार हो सकता है सही लगाते लगाते वी जस्ट चेंज दैट। ट्राई करें जो आपने सोच लिया आंसर उसको चेंज ना करें, जस्ट उसी पर टिके, क्योंकि आपके माइंड ने एक बार इमेज उसके लिए बनाई थी, अब आप उस इमेज को इधर से उधर घुमाओगे तो डेफिनेटली आपको चार आंसर याद आएंगे यार, कॉमन सेंस है, नहीं आएंगे ही, दैट्स लाइक दैट, ओके। सो लेट्स बैक टू अवर टॉपिक, जाइगोट। जाइगोट ने क्या किया, डिवीजन किया, डिवीजन में क्या हुआ, 16 सेल स्टेज बना, मॉरुला बन गया। मॉरुला किस शेप का होता है, मलबरी शेप का होता है। 16 सेल स्टेज मॉरुला बना, जो कि क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट पेरिस्टाल्सिस ऑफ फेलोपियन ट्यूब, देन ये क्या करता है, माइग्रेट करता है यूटराइन कैविटी में। अब जो मॉरिला है वो यूटराइन कैविटी में जाएगा, यूटराइन कैविटी में ये क्या करता है, अब यूटराइन कैविटी में माइग्रेट कराए तो यूटराइन कैविटी में एंटर भी होगा, एंटर हो गया यूटराइन कैविटी में डे फोर पे, ठीक है। फिर डे फोर पे एंटर होने के बाद में ये क्या हो जाता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली स्टेज होती है, क्योंकि पहले फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में जो डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद में 16 सेल स्टेज बनेगी। अब 16 सेल स्टेज को मॉरेला बोलने के बाद में ये पेरिस्टाइलिस करेगा फेलोपियन ट्यूब का, जिसकी वजह से ये कहाँ माइग्रेट हो जाएगा, यूटराइन कैविटी में माइग्रेट हो जाएगा, फिर ये यूटराइन कैविटी में अंदर जाएगा, ठीक है, ऑन डे फोर, ठीक है। और उसके बाद में इसको क्या बोल दिया जाएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर डे 18 की जो साइकिल होती है उसमें जोना पेलुसिडा बनती है, ठीक है, जोना पेलुसिडा जो है ना जो डे फाइव पर होती है, ठीक है, डे फाइव ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। ये एक डायग्राम है इस काइंड, एक बार फिर भी बना के दिखा देती हूँ,
एंड देन दिस इज दिस काइंड ऑफ कितने 16 सेल स्टेज है विच इज मॉड्यूला और ये है लेयर किसकी जोना पेलिसिडा की। ठीक है, जोना पेलिसिडा का क्या काम होता है जब स्पर्म एंट्री कर रहे होते हैं ना तो अब मल्टीपल एंट्री हो जाएगी तो वो क्या है जो जाइकोट है वो फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कोई भाई ये तो अपने को पता ही है कोई एक स्पर्म होता है ना जो कि फर्टिलाइज करता है। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चा बनता है। लेकिन अगर ये जोना पेलिसिडा लेयर नहीं होगी तो हो सकता है एक स्पर्म की जगह कितने स्पर्म्स बन जाए। ठीक है, तो उसको ये क्या करता है प्रिवेंट करता है। अब जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है 16 सेल स्टेज बन जाती है ये यूटेराइन कैविटी में चला जाता है तो ये क्या हो जाती है डिसअपीयर हो जाती है। अब ये जोना पेलिसिडा हो गई डिसअपीयर, इसमें क्या होगा कुछ फ्लूड एंटर करेगा फ्रॉम मॉरुला इनटू ब्लास्टोसिस्ट। अब जब जोना पेलिसिडा की लेयर हट गई, ठीक है, ये जो कवरिंग थी लाइक आपने कोई चीज खाने के लिए ले रखी है, ठीक है, विच इज इन अ पैकेट, आप पैकेट रिमूव कर दोगे तो ये चीज यहाँ बच गई। हो सकता है उसमें से अब कोई सामान अंदर भी जा सकता है, चाहे वो फ्लूड हो चाहे आप उसमें कोई सॉलिड चीज डाल दे, लेकिन यू कैन मिक्स इट आफ्टर लाइक ओपनिंग दैट, है ना। तो अब ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद में ये हो सकता है ये बाहर निकलेंगे या इसमें यहाँ पर फ्लूड आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कुछ फ्लूड एंटर करता है फ्रॉम मॉरुला इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, आगे क्या होगा ऑन डे 4, 5, 6 फ्रीली मूव इन यूटेराइन कैविटी। 4, 5, 6 वाले दिन पे फ्रीली मूव करते हैं ये। ठीक है, ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड लिपिड। कहां से ड्राइव्स इन एंडोमेट्रियम ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड लिपिड इन एंडोमेट्रियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आके एंडोमेट्रियम में ग्लाइकोजन और लिपिड से न्यूट्रिशन लेते हैं फ्रीली मूव करके, किसमें यूटेराइन कैविटी में। कौन से डे पे 4, 5, 6 पे। अब देखो ये है डायग्राम, ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अगेन, ओके, आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली। ये है मायोमेट्रियम, ये है एंडोमेट्रियम, आउटर लेयर विच इज सिरोसा। ठीक है, तो ये है सिरोसा, इसके अंदर है मायोमेट्रियम, इसके अंदर है एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसके अंदर बनती है ये तीन लेयर। ठीक है, ये है डेसीडुआ पेरिस्टाल्सिस, ये है जो कैविटी है इधर है डेसीडुआ बेसालिस और ये है डेसीडुआ कैप्सुलरिस, कैप्सुलरिस जो इसको कवर करता है। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट मूव्स फ्रॉम कैविटी इनटू एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, ये कैविटी है, ठीक है, बेसालिस वाली लेयर है। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इस कैविटी से कहां जाएगा, यहां एंडोमेट्रियम। हो गया काम, यहां तक हो गया। इसके बाद में आता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन क्या होता है, डीप बरोइंग इनसाइड एंडोमेट्रियल टिश्यूज, एंडोमेट्रियल टिश्यू में अंदर घुस जाना। डीप बरोइंग मतलब अंदर जाना, बहुत अंदर, डीप बरोइंग एक तरीके से खड्डे में अंदर घुसना, इस काइंड ऑफ, तो डीप ब्रोइंग इनसाइड एंडोमेट्रियल टिश्यू हो जाएगा। अब इसके क्या होता है, इट स्टार्ट्स ऑन डे 6। अभी तक 4, 5, 6 दिन पे ये फ्रीली मूव कर रहे थे यूटेराइन कैविटी में, अब डे 6 पे क्या स्टार्ट हो गया, इट स्टार्ट्स ऑन डे 6 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 6 से पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाला स्टेज आ जाता है क्योंकि उससे पहले साइकल फॉर्म हो गया, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद में वो जो सेल है वो डिवाइड कर रही है, वो आगे प्रोसेस कर रही है, दैट इज कमिंग ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। अब ये क्या करेगा, डे 6 पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे स्टार्ट होता है और डे 10 पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का जो मीन है वो ये है कि 7 और 8 दिन एक्चुअली, है ना। अब जो ये सॉरी डे 10 पे ये कंप्लीट होता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मीन इज 7 और 8 के कंप्लीट में होता है, तो पूरा टोटल इन्होंने डे 10 दे दिया। आगे जो चेंजेस है वो एंडोमेट्रियम चेंज हो जाती है टेस्टोस्टेरोन, ये जो एंडोमेट्रियम है ये चेंज हो जाती है टेस्टोस्टेरोन में। ये कहाँ हो रही है ये पूरी प्रोसेस, अब देखो पहली बात ये देखो, यहां से चेंज हुआ एंडोमेट्रियम चेंज हो गई टेस्टोस्टेरोन में। सेकेंड आया ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसमें ये आउटर सेल है, ये इनर सेल का मास है, आउटर सेल मास जो है वो आउटर
सिंसिशियोट्रोफोब्लास्टोमा, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर बनता है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट में दो लेयर होती है, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर में दो बनते हैं, ठीक है, आउटर और इनर। आउटर में ये जो आउटर और इनर है, ये वाला जो आउटर है ये है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और ये क्या है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। आते हैं अंदर इनर सेल मास। इनर सेल मास में क्या होगा, बच्चा, एम्ब्रियो, दैट्स इट, ठीक है। अब आ जाओ सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होती है। इसमें क्या होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी मतलब सबको पता है कि ज्यादा मात्रा, एक तो है नहीं, सिंगल तो है नहीं ना, तो ज्यादा, ओके। फिर आते हैं सेल वॉल इज इनकम्प्लीट, इसमें सेल वॉल इनकम्प्लीट रहेगी। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करेगा, एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, एससीजी प्रोड्यूस करेगा और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ये चेंजेस हो रहे थे वो कहाँ हो रहे थे, इंटेस्टिशियल इम्प्लांटेशन में हो रहे थे, डे 7 और 8 ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ज्यादा नहीं ये याद रखना है, एंडोमेट्रियम किसमें चेंज होती है, ठीक है। लेट्स रिव्यू फास्टली, ओके। 4, 5, 6 डे पे क्या हुआ, यूट्रेन कैविटी में गया, वहां से इसने न्यूट्रिशन ले लिया, नॉट मच बिग टॉपिक, ओके। इसमें क्या है, डे 6 फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, डे 10 पे कंप्लीट होता है। मेन जगह आती है ये कि एंडोमेट्रियम चेंज होता है डेसिडुआ में, ब्लास्टोसिस्ट के पास में दो पार्ट हो जाते हैं आउटर इनर। आउटर में भी दो पार्ट होते हैं आउटर और इनर, आउटर में होता है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, इनर में होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास में एम्ब्रियो बनता है, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल होते हैं, सेल वॉल इनकम्प्लीट होती है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट क्या प्रोड्यूस करती है, एचसीजी प्रोड्यूस करती है। एचसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसके बाद सेक्रेशन स्टार्ट होता है, दैट्स बिग इनफ। नेक्स्ट आता है आउटर सेल मास के बारे में, ठीक है, कहां पर, ब्लास्टोसिस्ट में, जिसमें क्या आते हैं सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इनर सेल मास में क्या था, एम्ब्रियो। तो यही है, आउटर सेल मास में है ट्रोफोब्लास्ट, एमनियोन और कोरियोन, याद रखने की चीजें हैं, सो रिमाइंडर। इनर सेल मास में क्या है, एम्ब्रियो, ये तो पता ही है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या बोलते हैं, बेबी। अब डेसीडुआ बेसेलिस जो है वो किससे डिफाइन होती है, ब्लास्टोसिस्ट और मायोमेट्रियम से। कैप्सुलरिस कहाँ होती है, बिटवीन ब्लास्टोसिस्ट और यूटेराइन कैविटी। पेरिस्टेल्सिस क्या होती है, रिमेनिंग इन एंडोमेट्रियम। डेसीडुआ बेसेलिस जो है वो ब्लास्टोसिस और मायोमेट्रियम में होती है, ठीक है। डेसीडुआ कैप्सुलरिस ब्लास्टोसिस एंड यूटेराइन कैविटी में होती है, डेसीडुआ पेरिस्टेलिस रिमेनिंग इन एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब ये हो गई डेसीडुआ कैप्सुलरिस, ये हो गई डेसीडुआ बेसेलिस और ये हो गई डेसीडुआ पेरिटोनियम। ये हो गया मैटरनल स्पाइरल वेसल्स, ये हो गए एंडोमेट्रियम। ज्यादा मत ध्यान दो इन पर क्योंकि नहीं याद रहती काफी सारी चीजें। ये एक स्पाइरल वेसल्स है, ठीक है, ये है स्पाइरल वेसल्स। यहां पर एक पेटल काइंड ऑफ वेसल बन जाती है, ये ट्रेवेक्यूला है। सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट आउटर वाली में होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट लैक्यूना, ये लैक्यूना है। लैक्यूना किससे फ्लड, ये याद रख लो, लैक्यूना क्या होता है, लैक्यूना किससे फिल होता है, मैटरनल ब्लड से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हो गया, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट हो गया, नॉट मच बिग थिंग्स, लीव इट, बस इतना याद रखना है लैक्यूना किससे फिल होता है, मैटरनल ब्लड से, ठीक है। दिस सर्कुलेशन नोन एज यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन, ये पूरा सर्कुलेशन यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन कहलाता है। जिसको अच्छे से समझ आ रहा है समझ लो, नहीं समझ आ रहा है एक बार डायग्राम को प्रॉपरली रीड कर लो, ठीक है। इस सर्कुलेशन को यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन कह सकते हैं। ये कब स्टार्ट होता है, डे 12 पे, क्योंकि डे 10 तक वहां कंप्लीट हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
अब डे 12 पे यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन चालू हो जाता है ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, इन्वेड करता है, इन्वेड प्रोट्रूजन मतलब इन्वेड करना किसी चीज में, जैसे ये चीज है इसमें इस तरीके से अंदर घुसना, इन्वेड करना, अंदर जाना, प्रोट्रूजन करना, उसको चीरते हुए, उसको तोड़ते हुए उसमें अंदर जाना। ठीक है, कोई चीज है इस तरीके से, यहां पर एक लेयर काइंड ऑफ है, इसमें से आपको इसमें अंदर जाना है तो ऑब्वियसली आप इसको प्रोट्रूड करेंगे, इसको यहां से मतलब डिस्ट्रॉय करते जाएंगे एक तरीके से और आप अंदर चले जाएंगे। ठीक है, देन हो गया साइटोट्रोफोब्लास्ट को प्राइमरी विलाई भी कहते हैं, याद रखना है। फॉर्म्ड ऑन डे 30। ठीक है, आगे चलें। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहलाता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट इन्वेड करा, इसको प्राइमरी विलाई भी कहते हैं, फॉर्म्ड ऑन डे 13 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में सेकेंडरी विलाई बना डे 16 ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। फीटल वेसल में 3 डिग्री विलाई बना। ठीक है, और फीटल वेसल आ गया जा फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन हो गया, ये कब बनेगा, डे 21 ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अगर एग्जामिन इफ एग्जामिन डजंट मेंशन देन सर्कुलेशन नथिंग मच। अब जो फीटल ब्लड है वो प्रेजेंट है तो विलाई है 3rd डिग्री। अगर मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है तो क्या है, इंटरनल विलाई, लैक्यूनी। लैक्यूनी मैंने बताया था ना, येरा ये है लैक्यूनी फिल्ड विद मैटरनल। चलो ठीक है, अब एक बार दोबारा से बोल दो, फीटल ब्लड प्रेजेंट होगा तो विलाई होगा, विलाई में क्या होगा, 3rd डिग्री विलाई। मैटरनल ब्लड होगा तो प्रेजेंट होगा तो इंटरनल, इंटरविलाई को लैक्यूनी भी बोलते हैं। प्लेसेंटो बैरियर मेम्ब्रेन्स क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन फीटस एंड मैटरनल ब्लड। प्लेसेंटो बैरियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, फीटस ब्लड और मैटरनल ब्लड में आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ये एक बैरियर है, यहाँ फीटो है या मैटरनल है, दिस इज द बैरियर टू डिफ्रेंशिएट। ठीक है, कंस्टिट्यूट प्लेसेंटो बैरियर क्या कंस्टिट्यूट करता है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट ऑब्वियसली, साइटोट्रोफोब्लास्ट ऑब्वियसली, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म या देन फीटल वेसल एपिथेलियम। साइज ऑफ द प्लेसेंटल बैरियर मेम्ब्रेन कितनी होती है, करीब 0.25 समथिंग है मैम, याद तो होता नहीं है, पढ़ लो एक बार क्या रहता है। ठीक है, अब ये एक डायग्राम है जिसमें आपको क्या चीज बताई है, डेसीडुआ बेसेलिस ये है, डेसीडुआ कैप्सुलरिस ये है, डेसीडुआ बेसेलिस परसिस्ट करती है और ये कैप्सुलरिस अट्रॉफी करती है। डेसीडुआ कैप्सुलरिस साइट विलाई बिकम अट्रॉफी नोन एज कोरियन लेवी। इस कैप्सुलरिस की जब एट्रॉफी होती है उसे कोरियन लेवी बोलते हैं। डेसीडुआ बेसेलिस साइड विलाई जब परसिस्ट करता है उसे परसिस्ट विलाई बोलते हैं, कोरियन फ्रंडोसम बोलते हैं। ठीक है, डेसीडुआ कैप्सुलरिस साइड विलाई बिकम एट्रॉफी नोन एज कोरियन लेवी। डेसीडुआ बेसेलिस साइड विलाई परसिस्ट विलाई, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोरियन फ्रंडोसम। So, next topic है placenta, that I will be starting in a different video. Why? Because एक ही video बहुत long हो जाएगा, doesn't consider. So, let's meet you in different video with a topic which is placenta. Thanks for watching me. And if you're liking my video, if you're liking the way I'm explaining, please subscribe my channel. And comment below whatever tips you are having. Comment below if you are not understanding something or if I am not like making you to understand something. Just comment me whatever you want to say and try to learn this. Whatever I am like telling, this is just from this notes. Nothing else I am telling. I know if you really want to learn something different, you can just visit to some different videos. But on this video, I'll be like definitely reading this in a way that you can remind these notes at least. Okay, so thanks for watching me. Please, agar pasand aaya ho, just subscribe my channel and like my channel, love my channel and comment to my channel.
बाय बाय।